हाय फ्रेंड्स, आज हमारे अनोखा किचन में बनने जा रहा है पालक पनीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हर रेसिपी आप सब तक पहुंचती रहे। पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ। दो टमाटर ली हूँ, दो प्याज ली हूँ, एक इंच अदरक का टुकड़ा ली हूँ, 5-6 हरी मिर्च और लहसुन ली हूँ 15-20 कली। पालक को अच्छे से धुल लिए थे मैं, पानी गर्म हो गया है, उसी में डाल दूंगी इसको, एक उबाल आने दूंगी। मैंने 600 ग्राम पालक ली हूँ। देखिए हमारा पालक भी उबल गया है। आइस का पानी ली हूँ मैंने, आइस का टुकड़ा डाली हूँ थोड़ा सा पानी में। इसी में पालक उबला हुआ निकाल दे रही हूँ ताकि इसका स्टीम यहीं पर रुक जाए और पालक हरा हरा बना रहे। आज आइस थोड़ा ख़त्म हो गया था, बच्चे यूज कर जाते हैं, गर्मी का मौसम है। देखिए मसाला ली हूँ मैंने, 2 चम्मच बड़ी इलायची, 2 चम्मच छोटी इलायची, 4 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिरी, 3 ली हूँ जावित्री, 2 चक्री का फूल ली हूँ, 1 चम्मच लौंग ली हूँ और थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ली हूँ। इसे हल्का हल्का गर्म करूँगी, इसका फाइन पाउडर बना लूँगी। देखिए गर्म हो गया है, इसको भूनना नहीं है। अब एक तरफ कढ़ाई रख रही हूँ, इसमें डालूँगी थोड़ा सा सरसों का तेल, इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालूँगी, इसको थोड़ा लाल होने तक भूनने दूँगी, थोड़ा सा डाल रही हूँ हींग एक चुटकी। देखिए हमारा लहसुन भून गया है। अब इसी में बारीक कटा हुआ प्याज डाल दे रही हूँ, 2 बारीक कटा हुआ प्याज डाली हूँ, थोड़ी सा बारीक कटी हुई मिर्ची, इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ प्याज को। अब कटा हुआ टमाटर, घिसा हुआ अदरक डाल दे रही हूँ। मैंने अदरक को घिस के डाली हूँ ताकि मुँह में उसका चम्स ना आए। स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ ताकि टमाटर भी इसी टाइम गल जाएगा, अच्छे से नमक डालूँगी। तो आप नमक ध्यान से डालिए, अगर चाहे तो पालक डालने के बाद भी थोड़ा नमक डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर डालने के लिए थोड़ा सा नमक डालिए। इसमें मैं 1.5 टी स्पून धनिया पाउडर डाली हूँ। चम्मच से मैं मसाला नहीं डाल रही हूँ, टीस्पून से छोटा चम्मच से डाल रही हूँ, पालक पनीर में ज़्यादा मसाला नहीं जाएगा। ये देखिए 1 टीस्पून मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, जो मसाला मैंने भूनी थी उसी का फाइन पाउडर बनाई हूँ। 1.5 टीस्पून देखिए डाली हूँ मैंने गरम मसाला, 2 टीस्पून डालूँगी, 1/2 टीस्पून मैं बाद में डालूँगी। आगे देखिएगा यार, पालक पनीर में ज़्यादा मसाला नहीं जाता है तो पालक दब जाता है, मसाले का ही फ्लेवर खाली आता है। तो मसाला ध्यान से डालिए, इसको ढक के टमाटर को गलने देती हूँ। देखिए मैंने फाइन पाउडर बना ली थी, ऐसे डब्बे में भर के रख दूँगी ताकि और सब आगे रेसिपी में यूज करूँगी। आप चाहे तो इसे चौथाई हिस्सा लेके भी पाउडर बना सकती हैं, क्या है कि बाटी में बारीक होता नहीं है इसलिए मसाला ज़्यादा बनाई थी। देखिए हमारा टमाटर मसाला सब भून के भी हो गया है। पालक को मैंने प्यूरी बना ली थी, इसे भी डाल दे रही हूँ। देखिए कितना हरा हरा दिख रहा है हमारा पालक। ठंडा पानी, आइस वाला पानी में डालने से ही है कि हरा हरा बना रहता है। पनीर डाल दे रही हूँ मैंने, 250 ग्राम पनीर डाली हूँ। अब इसी में देखिए 1/2 टीस्पून और गरम मसाला डाली हूँ मैंने, 2 टीस्पून गरम मसाला और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर सिर्फ डाली हूँ। अब ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। देखिए हमारा पालक पनीर बन के बिल्कुल रेडी है, इसे सर्व कर ले रही हूँ। आप सब भी बनाइए, खाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। अब इसी में 3-4 चम्मच ऊपर से घी डालूँगी, घी डालने से स्वाद बढ़ जाता है। आप सब भी ज़रूर इसमें घी डालिए।